विनोल के लेक्चर नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनोल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इन टू एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर। एरोमेटिक रिंग में एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर एल्काइल ग्रुप की जगह एसाइल ग्रुप हो तो हम उसको बोलते हैं फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। द रिएक्शन इज यूजली ब्रॉट अबाउट बाई एल्किल हैलाइड्स, ओलिफिन्स एंड एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 हो सकता है, AlBr3, BF3, HF, H2SO4, ZnCl2, etc. ये सब लिविस कैटलिस्ट हैं, लिविस एसिड कैटलिस्ट। इनकी प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड, ओलिफिन यानी एल्किन्स और एल्कोहल की रिएक्शन जब करवाते हैं तो एरोमेटिक रिंग में एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, तो उसको बोलते हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। जब एल्किल हैलाइड काम में लिए जाते हैं तो एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा एल्किल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, सबसे कम होता है एल्किल आयोडाइड। ये एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। इन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज आइदर एन एल्किल हैलाइड लिविस एसिड कॉम्प्लेक्स या एन एल्किल कार्बोकैटायन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में जो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है वह या तो एल्किल हैलाइड लिविस एसिड कॉम्प्लेक्स हो सकता है या एल्किल कार्बोकैटायन हो सकता है। अब यहाँ पर चूंकि ध्यान दो, एल्किल कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम में लिया जाता है, तो कार्बोकैटायन जब है तो 1 डिग्री से मोर स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री से स्टेबल ज़्यादा कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब जहाँ पर 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन एल्किल कार्बोकैटायन बनने की संभावना होती है, तो हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसी को एज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करवाते हैं। क्लियर। इट इज़ एविडेंट दैट इन मोस्ट केसेज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन इज ए कार्बोकैटायन विच इज़ फॉर। क्लियर। यानी अधिकतर जो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस होती है उनमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वह मेनली कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन कैसे जनरेट हो सकता है? देखो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब AlCl3 लिविस एसिड के साथ करवाते हैं तो एल्किल कार्बोकैटायन जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर AlCl4- माइनस है। एल्कोहल की रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड के साथ वो लुइस एसिड AlCl3 के साथ करवाते हैं तब R+ और O- AlCl2 जनरेट होता है, यहाँ भी कार्बोकैटायन बन रहा है। और एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तब क्या होता है? OH पर प्रोटोनेशन होता है, फिर H2O बाहर निकलता है, तो क्या प्राप्त होता है अपन को? एल्किल कार्बोकैटायन। इसी प्रकार एल्किन पर की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तब भी हमें कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो इस प्रकार से हम कार्बोकैटायन, ये जो एल्किल कार्बोकैटायन जनरेट होता है, एल्किल कार्बोकैटायन है जो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और इसका जब लुइस एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग में एडिशन हो जाएगा। क्लियर। एडिशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। द कार्बोकैटायन या पॉजिटिव एंड ऑफ द लुइस एसिड कॉम्प्लेक्स LEWIS, यहाँ पर S है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स अटैच द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म द रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड अरेनियम आयन इंटरमीडियम। पहले हम बेंजीन की बात करें। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन जब एल्किल कार्बोकैटायन के साथ करवाते हैं तो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड अरेनियम आयन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से।
देखिए कैसे यहाँ से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर जब जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये इधर और फिर ये इधर, तो इस प्रकार से एक रेजोनेंस स्टेबलाइज एरेनियम आयन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। फाइनली प्रोटोन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरेनियम आयन बाय बेस टू गिव द एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। फिर बाद में बेस की प्रेजेंस में इस एरेनियम आयन से यह प्रोटोन एच एच प्लस फॉर्म में बाहर निकलता है और इस रिंग में क्या जाता है, एरोमेटाइजेशन आ जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार से एल्काइल ग्रुप का इस एरोमेटिक रिंग पे क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, और हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्काइलेटेड बेंजीन। अब बात करते हैं फिनोल्स में, जनरल में फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। इन द एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 alkyl halide reacts with phenol to produce ortho and para alkyl derivatives. Phenol forms chloroaluminium salt on reaction with anhydrous AlCl3. So excess of aluminium chloride is required. Clear? यहाँ पर जो phenol है वो भी AlCl3 के साथ react करके क्या बना लेता है, chloroaluminium salt बनाता है, इसीलिए हमें एनहाइड्रस AlCl3 की ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, फिनॉल की रिएक्शन के बाद एल्किल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म देखो किस प्रकार से होती है, सबसे पहले फिनॉल के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं, फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वह AlCl3, चूँकि AlCl3 लुईस एसिड है, तो यहाँ पर एज एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा यह ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं इसके साथ शेयर होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और क्या प्राप्त होता है अपन को, ये वाली स्पीसीज जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, और एल्यूमिनियम चूँकि इलेक्ट्रॉन ग्रैंड किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से AlCl3 से Cl- आयन और यहाँ से एस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देखकर क्या जाएगा, HCl के रूप में बाहर, और हमें क्लोरो एल्यूमिनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जब AlCl3 के साथ करवाते हैं, चूँकि क्लोइन के एल्किल क्लोराइड में क्लोइन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर्स भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे, क्योंकि लोन पेयर्स लुईस एसिड को दे सकता है, तो यहाँ से क्लोरीन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्युमिनियम पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर R प्लस और AlCl4- वो बाहर हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है। क्लियर, या ये जो बनता है आप इससे भी ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं अपन, कि ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर इधर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और फिर ये इस इलेक्ट्रोफाइल पटेक और ये AlCl4- बाहर। क्लियर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये वाली स्पीसीज प्राप्त हो गई। अब यहाँ से आप देखिए क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या अपना AlCl4-, AlCl4- की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो HCl बाहर, AlCl3 बाहर, और हमें क्या प्राप्त होता है, और तो एल्काइलेटेड फिनॉल। यहाँ पर अगर RCH3 हो तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो क्रिसोल। क्लियर, अब बात करते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। इन द एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एसिटिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद फिनॉल टू गिव ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर, एनहाइड्रस AlCl3 के एक्सेस में एसिटिक क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अपन को प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं फिनॉल प्लस RCOCl एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड,
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल और पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल के RCH3 हो तो क्लियर। मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से होती है। सबसे पहले एसिटिक क्लोराइड की रिएक्शन जब AlCl3 के साथ करवाएंगे तो इस क्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं यहाँ पर, इस क्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं इसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम आएंगे, तो यहाँ से Cl पर पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर बाद में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर तो AlCl4- बाहर और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एसिल कार्बन कैटायन। ठीक है, अब यहाँ पर इस कार्बन पर ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन में लोन पेयर तो ये इधर, तो इन दोनों में इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस क्लियर। यहाँ पर ये जो स्पीसीज बनी एसिल कार्बन कैटायन जो बना ये एज इलेक्ट्रोफाइल कार्य करेगा इस रिएक्शन में। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर फिनॉल के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन इस एसिल कार्बन पर टेक करेंगे, तो यहाँ से क्या बना लेंगे इस कार्बन के साथ जब ये अटैक करेगा तो इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा इस एसिल ग्रुप ये, तो ओ डबल बॉन्ड ओ एच इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से सी ओ आर जुड़ गया और यहाँ प्रोटॉन, बाद में बेस की प्रेजेंस में AlCl4- की प्रेजेंस में ये इस हाइड्रोजन को लेगा तो HCl बाहर AlCl3 बाहर और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोल और हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि यहाँ पर R अगर CH3 हो तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोल। क्लियर, इसी प्रकार पेरा पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है और हमें पेरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है। धन्यवाद।